ठंड का आगाज होने वाला है। मछली पालक बड़े चिंते में है, कौन सा मछली डालें? अभी तक हम अपने तालाब में मछली नहीं स्टॉक किए हैं। कौन सी अच्छी ऐसी मछलियाँ डालें जिसका ग्रोथ ठंड में भी आ सके? इन सारी सवालों का जवाब आप ढूंढते रहते हैं, हमसे फ़ोन पर कॉल करते हैं। तो यही सब सवाल आपका होता है, ठंड के दिनों में कौन सा मछली है जिसको हम कौन सा दाना खिलाएंगे तो उसका ग्रोथ होते रहेगा। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। जैसा कि सारे लोगों अभी भी आप लोग दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमसे बच्चा मंगवाते हैं, आज जिन 20-25 लोगों का बच्चा हमारे द्वारा भेजा जा रहा है आपके अपने अपने जंक्शन तक, उनका नाम फरीद हुसैन 500 ब्लैक कार्प धनबाद झारखंड में जा रहा है, प्रभाकर कुमार रूपचंदा 5000 पीस पटना बिहार में जा रहा है, अमर सिंह रामबाग जंक्शन इलाहाबाद यूपी में, इनका भी कुछ बच्चे जा रहा है, पंकज हाजीपुर के रहने वाले 200 पीस ब्लैक कार्प इनका जा रहा है, राहुल कुमार मुजफ्फरपुर चिदल मछली जा रहा है, सूर्यदेव यादव ब्लैक कार्प कोडरमा भी, ये झारखंड के रहने वाले। सारे लोगों को आज शाम वाली गाड़ी से, जब आप वीडियो देख रहे होंगे उस समय वाली गाड़ी से आपके यहाँ तक भेजा जाएगा। हम बिल्टी आपके व्हाट्सएप पर डालेंगे रात के 9:30 के आसपास, और कल हम टाइम भी बताएंगे आपको, ट्रेन का टाइम कितने बजे आपको रेलवे जंक्शन पहुँचना है। प्लीज़ आप अपना आधार कार्ड का एक जीरोक्स लेकर के अपने अपने स्टेशन पर जाएंगे और अपना अपना बच्चा वहाँ से रिसीव करेंगे। तो दोस्तों, हम बता रहे थे कि ठंडी के मौसम आने वाला है, कहीं कहीं पे ठंडी का आगमन अभी हुआ मात्र है, एहसास उतना हो नहीं रहा है, फिर भी 10-15 दिन बाद एहसास होने लगेगा। इस पोजीशन में सारे लोगों का चिंता होना मुमकिन है, लाजमी है कि ठंडी में मछलियों का ग्रोथ होगा नहीं। और जब आप अभी बच्चे, ये सारे लोगों जिनका नाम हम बताए हैं, सारे लोग बच्चे मंगवा करके डाल रहे हैं और बहुत सारा ऑर्डर अभी भी आ ही रहा है बच्चा के लिए, तो कौन सी मछलियाँ आप अगर अपने तालाब में डालेंगे तो ठंड के दिनों में भी ग्रोथ होगा, या अभी डालेंगे या फिर आपका ऑलरेडी अपने तालाब में डाला हुआ है, तो वे लोग भी चिंतित होंगे ही कि अपनी मछलियों को हम क्या खिलाएं। जैसा सारे लोगों को पता हो सकता है या नहीं भी हो, आज हमारी एक पंगास वाले लोगों से बात हुई जिनके तालाब में पंगास मछली डाला हुआ है, लगभग 30,000 बच्चा है, जैसे फिर वे खिलाते हैं, परंतु उनको यह भी पता नहीं था कि ठंडी आने के बाद उनकी पंगास मछलियाँ दाना उठाना बंद कर देंगी। जब उनसे बात करने का मौका मिला तो हम बताए तो वे आश्चर्यचकित रह गए। तब वो बताए कि ठीक है, हम ठंडी आने से पहले अपने मछलियों की हार्वेस्टिंग करा लेंगे और उसे सेल आउट हम कर देंगे। तो IMC में वह कौन सी मछली है जो सबसे ज़्यादा ठंडी के दिन में ग्रोथ करती है दूसरी मछलियों के बनिस्पत? IMC यानी रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर, कॉमन, ये कार्प फैमिली और IMC की फैमिली की मछलियाँ हैं, जिसमें कुछ इंडियन मेजर कार्प आता है, कुछ विदेशी कार्प है। विदेशी कार्प की एक मछली जो बहुत ही फेमस मछली है, सारे लोग इसका पालन करना चाहते हैं और यह भारतीय किसान के लिए बहुत ही उपयुक्त मछली है, इसलिए कि भारतीय किसान जो है, मछली पालक हैं, वह मछली के व्यवसाय में, मछली पालन में इन्वेस्ट बहुत कम करना चाहते हैं और ग्रोथ कम समय में ज़्यादा लेना चाहते हैं। इसलिए हम भारतीय किसान की वह मछली जिसका ठंडी के दिनों में भी 100% ग्रोथ आते रहता है, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। वह ग्रास कार्प अगर आपने अपने तालाब में रख छोड़ा है और ग्रास कार्प का बच्चा 50 ग्राम से ऊपर का साइज का अगर आपका हो गया है, तो आप मानिए आपकी ग्रास कार्प मछलियों का ग्रोथ ठंडी के दिनों में भी होगी। परंतु यह भी आप ख्याल रखें, ग्रोथ होना जारी रहेगा, परंतु जो ग्रोथ अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन महीनों में होता है उतना ग्रोथ नहीं होगा, यह आप मान करके चलिए। मछलियाँ तालाब के नीचे चली जाती हैं ठंडी के दिनों में, कि जब ज़्यादा ठंड पड़ता है तो ऊपर के जो भी पानी रहता है 3-4 फीट नीचे तक, वह ज़्यादा ठंड हो जाता है और नीचे वाली पानी कुछ हद तक गर्म हो पाता है। ऊपर का ठंडा टेम्परेचर नीचे तक नहीं पहुंच पाने के कारण नीचे वाली पानी कुछ गर्म रहता है ऊपर के बनिस्पत, तो सारी मछलियाँ नीचे जा करके बैठ जाती है। और सिर्फ ग्रास कार्प ही एक ऐसी मछली है जो जब आप तालाब में हरा चारा डालते हैं, जैसे गोभी के पत्ते डालते रहेंगे, आप केले के पत्ते डालते रहेंगे अपने ग्रास कार्प वाली मछलियों वाली तालाब में, तो स्वाभाविक है इसका ग्रोथ आते रहेगा। और दूसरी मछलियों के बारे में आप यह मान करके चलें कि अगर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में इन महीनों में जहाँ 100% ग्रोथ होता है, वहाँ मात्र 10% ही ग्रोथ आएगा। ग्रास कार्प ऐसी मछली है जिसका 40% तक ग्रोथ होगा।
जैसे वह भोजन करेगी, हरा चारा खाएगी, स्वाभाविक है कि उसका ग्रोथ होता रहेगा। और हम बताना चाहेंगे आपकी मछलियों में फंगल इन्फेक्शन नहीं लगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं लगे। आपको पता होगा ठंडी के दिनों में ही मछलियों में ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी लगने की पूरी पूरी संभावना हो रहता है। तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप पहले से ही कुछ मेडिसिन मंगवा करके दिए हुए नंबर पे कॉल करके कुछ मेडिसिन जिससे फंगल इन्फेक्शन और फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन न लगे, इसके लिए तालाब में कुछ मेडिसिन मंगवा करके डलवाइए या अपने पास मंगवा करके रख लीजिए। हम आपके यहाँ तक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या फिर कुरियर के माध्यम से मेडिसिन, जो भी उपयुक्त मेडिसिन होगा, हम भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।